Hello everyone, welcome to my channel Art and Craft and Travel. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग फोटो फ्रेम आइडियाज लगा तो लेट्स स्टार्ट आवर क्राफ्ट। जिस तस्वीर को आप फोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं उसको एक माउंट बोर्ड में स्टिक कर लीजिए, इसलिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। देखिए अच्छे से, अब तस्वीर को फोटो को हम उसमें लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो माउंट बोर्ड का पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तस्वीर के लिए अब एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। एक थिक बोर्ड लेंगे, उस बोर्ड को नाप के थोड़ा काट लेंगे। उस बोर्ड को हम एक होल बनाएंगे, स्क्वायर होल। इसको मार्क करने के बाद नाइफ से इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि फ्रेम का बेस अच्छे से तैयार हो जाए। ये पिक्चर में अच्छे दिख रहा है, इसके ऊपर हम एक उलन डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम उलन डिज़ाइन का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। देखिए, उल लेते हैं कोई भी कलर का, डिफरेंट कलर का तो अच्छा लगेगा, और दो उंगलियों में उसको 50 काउंट करके रोल कर लीजिए अच्छे से। वो अच्छे से रोल हो जाने के बाद उसका नॉट ठीक से बांधना पड़ेगा। अगर आप टाइट करके वो नॉट नहीं बांधेंगे तो वो फूल उलन बॉल अच्छे से नहीं बनेगा। तो उसको काट लीजिए, पर उसको बीच में से अच्छे से नॉट बांधिए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छे से नॉट बांधने के बाद बीच में से सीजर जाके इसको कट करेंगे कि एक दूसरे से वो ना लगे रहे। अच्छे से कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उलन का वो हम निकाल देंगे ताकि बॉल एग्जैक्टली गोल बने। देखिए एग्जैक्टली अच्छे से हो गया। अब इस फ्रेम के ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और उस ग्लू के ऊपर वो उलन बॉल को एक 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 करके लगा देंगे। ठीक, कोशिश कीजिए कि वो बॉल एक के ऊपर दूसरा एक ही कलर ना बैठ जाए, अलग अलग कलर होगा तो देखने में अच्छा।
हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब हम एक दूसरा आइडिया दिखाएंगे, वो है पेपर। पेपर से कैसे एक राउंड शेप में हमने बोर्ड काट लिया और पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सीजर से पत्ते के शेप में काटेंगे। ये फोल्ड हो चुका है और इसको हम एक एक करके काट के रख देते हैं। अब ये रखे हुए पेपर को हम एक साथ ब्रंच करेंगे और पत्ते के शेप में काटेंगे। अब बीच में से हर पत्ते को मोड़ेंगे ताकि वो अच्छा दिखे, फोल्डेड हुआ लीफ दिखे। अब वो राउंड शेप की कट को हम ग्लू लगा देंगे अच्छे के पत्ते के शेप से। अब देखिए कैसे मैं लगाती हूँ इस पत्ते को, वैसे ही ऑल्टरनेट कलर में एक से एक पत्ता आप लगाएंगे। देखिए देखिए मेरा फ्रेम ऑलमोस्ट पत्ते से ढक चुका है। अब मैं कुछ फ्लावर्स लूँगी, उसको मैं इसके बीच में लगाऊंगी। आपको जो जगह अच्छा लगे आप वहाँ पर भी बिठा सकते हैं। अब इसको हम ग्लू से स्टिक कर देंगे अच्छे से ताकि वो खुल ना। देखिए मेरा फोटो फ्रेम तो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।